पूरा वीडियो वायरल नहीं कर दे और कहीं फैला नहीं दे, इसलिए सब का मोबाइल छीन लिया गया। कोई नेता तक नहीं देखने आया है। इलेक्शन के टाइम रहता तो टोटल आता। हमारा सब मजबूरी कोई देखने आता है, खाली सब अफवाह फैलाता है, वहाँ से यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। नहीं, खाने के लिए कभी कभी मुहताज कर देता, खाने के लिए भी कभी नहीं मिलता है वहाँ से बाहर। बिहार में क्यों नहीं कमाते हैं? बिहार में क्या काम है, कहाँ काम है, 200 रुपया भी बढ़िया से नहीं मिलता है यहाँ। अभी मेरी मौजूदगी नालंदा जिला के सिलाव गांव में है, जहां एक मजदूर की मौत तमिलनाडु में हो जाती है। ये तमाम उस गांव के लोग हैं जो यहां पे इकट्ठे हैं। इनके घर का, गांव का एक लड़का जाता है तमिलनाडु में कमाने और उसका मौत हो जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का मुद्दा अब फरवरी से ही सुर्खियों में है। अक्सर तमिलनाडु का मुद्दा सुर्खियों में आता है कि तमिलनाडु में मजदूरों को मारा जाता है, बंधक बनाया जाता है, तो कभी हत्या होती है तो कभी मौत की खबरें सामने आती है। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि जो तमिलनाडु से मजदूर कमा के आते हैं वो खुद कहते हैं। पिछले दिनों एक और खबर चली थी जिसमें कहा गया था, मजदूरों का कहना था कि हमारा अपहरण हुआ, हमसे पैसे मांगे गए। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपके गांव का लड़का कमाने गया था, उसकी मौत हो गई, क्या कहिएगा? जी हम तो बोलेंगे कोई सरकार मदद हम लोग को करने के लिए चाह नहीं रहा है। कोई कल से हम लोग बाले बच्चे रो रहा है, कोई सरकार तक, कोई चेयरमैन तक नहीं देखने आया है, कोई नेता तक नहीं देखने आया है। इलेक्शन के टाइम रहता तो टोटल आता, टोटल यानी दिन भर में 10 बार आता, और कभी भी देखने हम लोग को आईवे नहीं किया है। अच्छा, आपके गांव से कितने लोग कमाने जाते हैं बाहर? सब जिले लोग जाते हैं, सब लोग बिहार से बाहर। बस 12 महीना, 2 महीना सब घर रहते हैं, 10 महीना बाहर रहते हैं हम सब। अच्छा, 10 महीना बाहर रहते हैं। जी जी। क्या क्या दिक्कत आता है बाहर में? वो सबको झेलना पड़ता है, तमिल वाला गाली देता है, वो मारता भी है कभी कभी, वो अपना तरीका में गाली भी देता है। तमिल वाले सही में गाली देते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं? हम सब झूठ क्यों बोलेंगे मैडम, वो हम सब गाली देता है, हम सब समझते नहीं लेकिन गाली देता है हम सब का। जैसे कोई भी काम गलती हो गया तो मारने भी तन जाता है, मारना जरूरी होता है। लेकिन कहा तो ऐसा जाता है कि बिहारियों का सम्मान किया जाता है दूसरे राज्य। कुछ नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। खाने के लिए कभी कभी मुहताज कर देता, खाने के लिए भी कभी नहीं मिलता है वहाँ। काम करके आइएगा तो अपने खुद खाना बना के अपने खाइएगा। फिर आप लोग कमाने क्यों जाते हैं बिहार? घर कैसे चलेगा? अब 2 बाल बच्चा बीवी है घर में, माए बाप है, के खिलाएगा? हम ही सब बदौलत जन्माए हैं ना, हम ही सब खिलाएंगे ना, कि कौन खिलाएगा? अच्छा, अभी आपके गांव का एक लड़का गया था, उसकी मौत हो गई है, अब उसके घर से कौन जाएगा कमाने, कौन खिलाएगा उसकी बीवी बच्चे? तो देखना होगा हम सबको, गांव गिराव को अब तो इकट्ठा करके उसको तो कुछ परवरिश करवे करेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे हम सब ना, उसको तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हम सब खुद करेंगे। अच्छा, जो 10 महीना आप कमाने जाते हैं बिहार से बाहर, बिहार में क्यों नहीं कमाते? बिहार में क्या काम है, कहाँ काम है, 200 रुपया भी बढ़िया से नहीं मिलता है यहाँ, 200 रुपया भी 250 भी नहीं मिलता है। अच्छा, तमिलनाडु में कितना मिलता है? पर डे का 500 मिल जाता है, वो खाना उना खा के 6-7-8 हज़ार बच जाता है। 6-7-8 हज़ार बच जाता है वहाँ। मतलब 6-7-8 हज़ार आप लोग कमाने जाते हैं तमिलनाडु? जी जी। आप बोले कि आप लोग वहाँ मारा जाता है, गाली दिया जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। क्या कौन बोलता है, हम सबके सामने आके बोले तब हम भी हम सब जवाब देंगे, हम सब सामने तो खुद हो ये सब झेलते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ कोई आता है नहीं ना, हमारा सब मजबूरी कोई देखने आता है, खाली सब अफवाह फैलाता है, वहाँ से यहाँ कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ हो रहा है जो दिखता है। अच्छा, आप भी बाहर कमाने जाते हैं? हाँ। कहाँ? हरियाणा जाते हैं, तमिलनाडु, मद्रास, इधर। अच्छा, हरियाणा, तमिलनाडु और मद्रास। हाँ। कहाँ आप जाना ज्यादा पसंद करते हैं? ज्यादा तो तमिलनाडु सब जाना पसंद करते। क्यों? क्योंकि पेट नहीं चलता है यहाँ से। हाँ। यहाँ मजदूरी नहीं है। हाँ। कोई कंपनी भी नहीं है कि यहाँ जाके काम करें। हरियाणा क्यों नहीं, मद्रास क्यों नहीं? तो वहाँ रोजगार है सर, तो वहाँ जाते हैं। अच्छा। यहाँ कोई रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है। ये गांव के लड़के का कहना है कि तमिलनाडु में आप लोगों को गाली दिया जाता है, मारा जाता है। हाँ, अभी देखो उसको, उसका हुआ तो उसको मोबाइल जब्त कर लिया कुछ देर के लिए। अच्छा, किसका मोबाइल जब्त हुआ था? वही दोनों लड़का का था, सबका मोबाइल जब्त कर लिया था, कंपनी वाला खुद अपने मालिक ने। अच्छा। हाँ। इस लड़के की मौत हुई थी। हाँ। को अफवाह नहीं फैला दे या कुछ वीडियो भी नहीं भेज दे, इसलिए सबका मोबाइल भी जब्त कर लिया था। पूरा वीडियो वायरल नहीं कर दे और कहीं फैला नहीं दे, इसलिए सब का मोबाइल छीन लिया गया। सब
कोई बोल नहीं सकता है वहाँ पर, सबको डर के रहते हैं, जाते हैं यहाँ से कमाने के लिए, वहाँ डर के भी रहते हैं, और भी मोबाइल छीन लिया हम लोग को, तो हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, कितने लोग उस लड़के के साथ कमाने गए थे इस गांव से? तीन लड़के गया था, तीन लड़के जी। तीनों वापस आ रहे हैं? दो, हाँ दो तो, एक तो चल गया, मतलब दो जिंदा वापस आ रहे हैं, एक मृत वापस, एक मृत वापस आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि उस लड़के की मौत हो गई है तमिलनाडु? वो कंपनी जो बोलेगी वही हम समझेंगे। मैं का क्या कुछ कहना था? कंपनी कहना था कि अपना थाना से मैंने कि नॉर्मली अथी करवाओ लोकेशन, उसके बाद भेजो, हम उसके बाद बॉडी भेजेंगे। तो हम लोग जैसा कहा वैसा किए हैं। हम लोग गरीब अमदी इतना गरीब हैं कि हम लोग किसी से बोल भी नहीं सकते हैं कि कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका गृह जिला है नालंदा जी, तो आप लोग को कभी देख रेख के लिए नहीं आते? आप लोग से आप लोग की समस्या नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मैम, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ पर, यहाँ इतना बगल में विधायक, यहाँ बगल में चेयरमैन, कोई नहीं देखने आता हम लोग को। हम लोग को कोई कोई से कोई मतलब, इलेक्शन के टाइम आएगा तो 10 बार आएगा, 10 बार नहीं 15 बार आएगा, लेकिन अभी हम लोग को घटना घट गया हमारा बच्चा को, तो कोई नहीं, कोई नहीं। तो पर भी परिवार के चलते जा ही पड़ता है। बिहार में काम ढूंढिए ना, बिहार में कमाइए। बिहार में कोई सरकार काम ही नहीं दे रहा है, कोई सरकार है ये नहीं है लगता है। तो क्या कर सकते हैं, ये भी तो रोजी रोटी है ना। यहाँ पर तो 200 रुपया 100 रुपया मिलेगा, तो इसमें तो 5 बंदे रहेंगे, हम लोग 5 बंदे में 100 रुपया खा लेगा, 100 रुपया का तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ से कोई तमिलनाडु कमाने जाएगा या नहीं? जाना पड़ेगा। अब तो पेट का सवाल, जाना होगा। अब 10 दिन बाद तो, 20 दिन बाद तो जाना होगा जरूरी। डर नहीं लगेगा? क्या डर लगाओ, तो अब मौत से खेलिए रहे हैं, बाल बाल बच्चा के लेके अगर नहीं जाएंगे तो फिर कौन खिलाएगा? कोई कोई सहायता दे रहा है? चूल्हा नहीं जलेगा मैम। तो तमिलनाडु में एक मजदूर की मौत हो जाती है, जिसका डेड बॉडी आज उसके गांव आ रहा है, और लगातार सरकार में बैठे लोगों का ये दावा होता है कि बिहार से बाहर मजदूर जो पलायन करते हैं, उनको बिहार के बाहर इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर हम बिहार से बाहर जाते हैं तो हमें गाली और मार मिलता है, लेकिन हमारा मजबूरी है बिहार से बाहर जाना है, क्योंकि बिहार में हमें दिन का शायद 200 रुपया मिलता है, लेकिन बाहर में 500 रुपया मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है तो कमाएंगे कहाँ, परिवार का पेट पालने के लिए तो जाना पड़ेगा। इसी गाँव का एक लड़का अपने परिवार का पेट ही पालने के लिए और बहन का शादी करने के लिए तमिलनाडु गया था, लेकिन ना ही अपने परिवार का पेट पाल पाया, ना बहन का शादी करा पाया, और कफन में लिपट के अपने गांव वापस आ रहा है। आई खबरों के लिए बने रहें, जय हिंद।